अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हज़रात, आपके प्रोग्राम पूरा सच में अहमद दीदी एक बार फिर आपके साथ हाजिर है। बट आज का प्रोग्राम हमारा रूटीन का प्रोग्राम नहीं है, आज का प्रोग्राम क्रिकेट के ऊपर है और मैं बैठ के ये प्रोग्राम कर नहीं सकता, जितनी मेरी एक्साइटमेंट है। आम क्रिकेट प्लेयर माई सेल्फ और मैं दिहाइयों से क्रिकेट खेल रहा हूं और मेरे आज हाथ में दो गेंदे हैं। मैंने टेप बॉल क्रिकेट बहुत खेली और मैंने हार्ड बॉल क्रिकेट खेली और आज हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के मैच पे। अफगानिस्तान का मुकाबला मैक्सवेल के साथ था आज, और मैक्सवेल और अफगानिस्तान के मैच में जो क्रिकेट हुई है वो इन दो गेंदों की कॉम्बिनेशन क्रिकेट थी, और ये हार्ड बॉल क्रिकेट और टेप बॉल क्रिकेट दोनों की कॉम्बिनेशन थी, और जो बैटिंग टेक्निक थी वो भी दोनों क्रिकेट की कॉम्बिनेशन टेक्निक इस्तेमाल की मैक्सवेल ने। क्या मैच था वो गैलन दी ग्लैडिएटर ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक जब से दुनिया में क्रिकेट इजाद हुई है इस तरह की कोई परफॉर्मेंस किसी प्लेयर ने आज तक विटनेस नहीं की है। सिमिलर कुछ इनिंग्स डिविलियर ने खेली हैं, उसने भी 360 शॉट्स मारी हैं, उसने भी सिचुएशन को अवेल किया है। बट द वे मैक्सवेल फाइटेड अगेंस्ट दी आर्मी ऑफ आई वुड से लॉयंस, अफगानिस्तान से कोई क्रेडिट लिया नहीं जा सकता। अफगानिस्तान ने अमेजिंग क्रिकेट खेली है और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है उससे उसका क्रेडिट लेना नाइंसाफी होगी। बट उसके सामने, उन लॉयंस के सामने, ये घोड़े जैसे दिल वाला, मैं घोड़े जैसे दिल की इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि शेर का दिल इतना बड़ा होता नहीं है, शेर का दिल बहुत छोटा है, चार शेरों को मिला के एक घोड़े का दिल बनता है। तो जिस तरीके से मैक्सवेल ने टेक ऑन किया है, उस ग्लैडिएटर की टांगे बांध दी गई थी, वो मूव नहीं कर सक रहा था, उसके हाथ में ना एलएमजी थी, ना तलवार थी, ना नेजा था, और उसके हाथ में एक बल्ला थमा दिया गया, और उसने जिस तरीके से ये बैटिंग की है, दुनिया की तारीख में ये बैटिंग हमेशा याद रखी जाएगी। मेरा प्रोग्राम पॉलिटिकल सॉल्यूशंस का प्रोग्राम है, मैं संजीदा प्रोग्राम किया करता हूँ, क्रिकेट के ऊपर इस तरीके से मैंने कभी बात नहीं की है, बट अगेन आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ डूइंग दिस, और कुर्सी पे बैठ के ये प्रोग्राम हो नहीं सकता था। तो आज हम बात करेंगे उसकी बैटिंग पे, उसने कैसे टेक ऑन किया, उसकी टेक्निक क्या रही है, और उसने किस तरीके से सर्वाइव किया और कैसे खेला है। तो जिस तरह से मैंने आपके सामने अर्ज की कि ये जो क्रिकेट थी, मैक्सवेल की जो बैटिंग थी वो हार्ड बॉल से ज्यादा टेप बॉल की बैटिंग थी, और टेप बॉल की बैटिंग को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब उसके उसको जिस तरीके से क्रैम्प्स आ रहे थे और वो मूव नहीं कर सक रहा था, तो उसने किस तरीके से बैट को, उसके लॉन्ग हैंडल को यूज किया है, और उसने किस तरीके से उसने ग्रिप पकड़ी है, और क्या स्टैंड है। माई सेल्फ इज अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन, मैं आपको राइट हैंड से बताता हूँ कि उसने किस तरीके से अपना स्टैंड रखा है और कैसे वो लो डाउन होके वेट बैलेंस करके पहले से स्टैंड बना के खड़ा था ताकि उसको कोई ट्रिगर मूवमेंट ना करनी पड़े और उसके कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो जरा सी भी मूवमेंट बिलो दी वेस्ट लेवल हो रही थी तो उसको बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग हो रही थी और पेन हो रही थी। उस पे उसने वो जो शॉट्स खेली हैं जिसमें कि वो उसकी जो गोल्फ की प्रैक्टिस थी वो काम आई है, उसने एल्बो बेंट नहीं किया, एल्बो उसने सीधी रखी है, आर्म लॉक रखा है, और उसने जिस तरीके से बॉल पे पूरी ये वेस्ट को सीधा रखते हुए सिर्फ ये शोल्डर मूवमेंट, यानी आप ये बैक देखें, यहां से उसने मूवमेंट दिया है और ये ट्विस्ट किया है ये, और उसकी ये प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, और उसने इतनी ज्यादा उसने ये ड्रिल की हुई है कि वो खड़े खड़े अपनी पोजीशन से सिर्फ स्पीड, बल्ले की स्पीड से वो बॉल को बाउंड्री के पार फेंक रहा था, ना सिर्फ ये बल्कि वो रिवर्स करके जो शॉट्स खेल रहा था वो भी अमेजिंग शॉट्स थी। इसकी मिसाल इस तरह की स्पीड की, हैंड आई कोऑर्डिनेशन की, दुनिया की तारीख में बहुत कम मिलती है। इस जैसी स्किल सेट का बंदा दुनिया की तारीख में कम आया है। ऑस्ट्रेलिया जानती थी कि ये बीच में जो है वो उसकी पे वो नहीं थी, इसकी फॉर्म ऑफ थी, उसके बावजूद उसको खिलाते रहे, उसने तीन चार इनिंग्स में परफॉर्म नहीं करके दिया,
बट मैच विनर होता है, और जिस वक्त वो खड़ा हो जाता है तो पूरी गेम को एक साइड पर लगा देता है, और जो उसने उसने प्रूफ किया। और क्योंकि हम खुद खेलते हैं और हमें हार्ड हिटिंग का अंदाजा है कि किस तरीके से उसने इस इम्पॉसिबल बॉलिंग को, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है इस वक्त, स्पिन बॉल स्पिन अटैक को अपने यूज में लाया, फास्ट बॉल को लाया। अफगानिस्तान की गलती ये थी कि उन्होंने अच्छी लेंथ नहीं पकड़ी और उसके जोन में बॉल करते रहे और मार खाते रहे, तो उन्होंने चेंज ऑफ पेस नहीं की, एंगल क्रॉस नहीं किया, थोड़ी सी वाइडर लेंथ पे बॉल नहीं की ताकि उसको रीच करने में मुश्किल होती है, उसको क्रैम्पिंग की वजह से उसको एक तो रीच करने में प्रॉब्लम होती, दूसरे वो हैंड स्विंग जितनी भी तेज लेकर आता वो टाइम नहीं कर पाता, उसको जोर लगाना पड़ता, वो जोर लगाने में बाउंड्री पे कैच होता, बट बहरहाल वो नहीं हो सका उस टाइम के ऊपर। वो उसको विकेट पे बॉल करते रहे क्योंकि पैर मूवमेंट नहीं हो रही है, तो पैर की मूवमेंट नहीं होगी तो विकेट पे बॉल करेंगे तो आउट हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है टेप बॉल के अंदर। टेप बॉल के प्लेयर को आपने देखा होगा, टेप बॉल के प्लेयर फुट मूव ही नहीं करते, इट्स ऑल अबाउट हैंड आई कोऑर्डिनेशन और उसके ऊपर बैट स्पीड से गेम खेली जाती है। क्योंकि उसके पास एडवांटेज था मल्टीपल स्पोर्ट्स का, जिस तरह ये भी डिविलियर के पास था कि वो मुख्तलिफ गेम खेल के क्रिकेट के गेम में आया था। मैक्सवेल की जो अगर आपने एक्सरसाइज और उसकी ड्रिल प्रैक्टिस देखी हो नेट पे, तो आपको अंदाजा होगा कि बेसबॉल की हिटिंग कैसी होती है। वो पीछे रबर से वो बैंड बांध के हैवी, और वो आगे अपने वेट को पुश करके, और वो लॉन्ग स्विंग पे पूरा पूरी बॉडी घुमा के शॉट मारने की जो टेक्निक है वो अपर बॉडी की वो इस्तेमाल किए उसने, और जिस तरीके से शॉट खेले, जो स्कोर किया है, जिस प्रेशर में किया है, जिस तरह की पिच पे किया है, ये दुनिया की तारीख जब तक क्रिकेट पे लिखी जाएगी, जब तक बात होती रहेगी, ये इसकी इसकी इस इनिंग के ऊपर। इंसान की जिंदगी में एक इनिंग होती है एक प्लेयर की, या कुछ होती हैं बड़े से बड़े प्लेयर की जो याद रखी जाती हैं। मैक्सवेल की सिंगल हैंडेडली ये मैच जीतना, ये इनिंग कभी भुलाई नहीं जा सकेगी, और इस मोमेंट को मैं भी मिस नहीं करना चाहता था। ऑल दो आई वॉज कॉट अप इन टन्स ऑफ अदर स्टफ, बट आई मेक श्योर कि मैं जो है ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए करूं और मैक्सवेल को अप्रिशिएट करूं, उसके घोड़े जैसे दिल के साथ खड़े होके डिलीवर करने की जो माइंडसेट है। मैं उसके डीएनए के ऊपर बात करूं, मैं उसकी ऑस्ट्रेलियन ब्रीड पे बात करूं, किस पे बात करूं, वो खड़ा भी शेरों के सामने था। 11 अफगानी जो जान लड़ा रहे थे और जो मेहनत से खेल रहे थे और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उसको उसने टेक ऑन किया और उसने परफॉर्म करके बताया कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी इस वक्त दुनिया में अगर कोई टी ट्वेंटी का भी है तो वो मैक्सवेल है, और मैक्सवेल जैसा दूसरा कोई नहीं है। ख्वातीन हज़रात, आप ये प्रोग्राम को देखिए, मेरी एक्साइटमेंट को इंजॉय कीजिए और इंजॉय कीजिए मेरे नेक्स्ट एपिसोड तक। मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा दूसरे टोन और टेनर के साथ, और मेरे प्रोग्राम जो रेगुलर होते हैं, बट अगेन एज अ प्लेयर ये मैं मिस नहीं कर सकता था। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये भी खून के पसीने से ये ट्रॉफियां ली गई हैं, ये ऐसे नहीं मिलती, तो इसके लिए जान लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और शौक होना चाहिए, वलवला होना चाहिए, तो आप ऐसा परफॉर्म करते हैं। और इंटरनेशनल फोरम पे इस तरह का गेम रहती दुनिया तक के लिए। मैक्सवेल जिंदाबाद, ऑस्ट्रेलिया जिंदाबाद, ये इनिंग याद रखी जाएगी। आप तमाम ख्वातीन हज़रात बार बार देखिए इस इनिंग को, एक एक शॉट को देखिए, उसकी बैटिंग, उसका टेम्परामेंट, उसकी जील देखिए और इंजॉय कीजिए। तमाम क्रिकेट लवर अराउंड द प्लेनेट सब इंजॉय करें इस इनिंग को, और हमेशा इंजॉय करते रहें, देखते रहें वक्त के साथ साथ। मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।